हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है सजिटेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि सजिटेरियस सोल ट्राइब का ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली सभी के लिए, सभी सजिटेरियस पीपल के लिए 2024 में इमोशनल एस्पेक्ट, रिलेशनशिप का एस्पेक्ट, लव का एस्पेक्ट, इंटीमेट रिलेशनशिप्स का एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है। सो बेसिकली ये एक इमोशनल रीडिंग है, यानी कि इमोशनल एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है, लव रीडिंग है कि लव का एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है। और सजिटेरियस पीपल, मीनवाइल जब तक मैं आप लोगों के कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने लिए प्रेयर भी कर सकते हैं। सो आप लोगों के कार्ड्स देख लेते हैं गाइस, क्या है 2024 में लव एस्पेक्ट में। नाइन ऑफ सोर्ड्स, और सोर्ड्स के ये वाले कार्ड्स बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। द हर्मिट, क्या बात है, हिमालय में जाने का विचार है क्या गाइस आप लोगों का? एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, गुड, यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी इंप्रूव होते हुए दिखा है मुझे। फोर ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, आप लोगों का ना रीडिंग का टोन ही डिफरेंट है, आप लोगों का रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे ही चलेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे अच्छा है कि दो दो किंग आ गए हैं आपकी ना रीडिंग में, एक ही रीडिंग में दो दो किंग आ गए हैं। किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ पे और किंग ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, अच्छी बात है। एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो देयर। सो आई थिंक ये कार्ड कहाँ से बिलोंग करता है? ये कार्ड को हम यहीं रख लेते हैं, सोर्ड्स वाले कार्ड एक जगह कर लेते हैं। ओके गाइस, आप रीडिंग को पॉज करके ना 2 मिनट अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है? भगवान को कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं धन्यवाद दे सकते हैं, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है? मैं भी आप लोगों के लिए प्रेयर कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रीडिंग का टोन ना डिफरेंट रहने वाला है। जैसा मैं यहाँ पे कलेक्टिवली पिक कर पा रही हूँ, जनरली कलेक्टिवली, क्योंकि कोई भी हम रीडिंग करते हैं, लाइक रीडिंग हम कर रहे हैं 2024 के लिए और लव के एस्पेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, इमोशनल एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है, इमोशनल एनर्जीज, इमोशनल प्रॉब्लम्स, क्या फेस कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, सारा कुछ इसमें हम देखेंगे। सो यहाँ पे एक कार्ड आया है नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि कोई भी कहानी एकदम से प्रेजेंट से शुरू नहीं हो जाएगी, थोड़ा सा उसमें पास्ट का रेजिड्यू, पास्ट का एस्पेक्ट भी आता है। सो इसमें यहाँ पे है गाइस पास्ट जो ये मुझे पिक हो रहा है, मोस्टली ये 2023 का एनर्जी है, हो सकता है 2024 में भी, शुरू में जनवरी के मंथ में भी कुछ लोग यहाँ पे हैं। सो गाइस, सजिटेरियस सोल ट्राइब, मुझे थोड़ा समझ से बाहर है कि आप जनवरी तक इस वाली एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करके क्यों लाए हैं, क्यों? क्योंकि 2023 में दिसंबर में काफी लोगों के कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुए हैं और आपके पास एक चॉइस थी, आपके पास एक चॉइस थी इस सबको वहीं पे छोड़ के आने की। एक नया साल था, एक नया महीना था, नया दिन से एक शुरू हुआ था बिल्कुल, नए पोर्टल्स ओपन हुए थे, ढेर सारे रेट्रोग्रेड खत्म हुए थे वहां पे प्लैनेट्स के। सो आई एम क्यूरियस कि ये इतना लिंगर ऑन क्यों कर रहा है, अब ये क्या होता है कार्ड, इसमें क्या होता है कि जो हुआ सो हुआ, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसकी अगर हम बात करेंगे तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। सो आप सभी जानते हैं सजिटेरियस सोल ट्राइब जो है कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगा, और जितने पार्ट से आप रेजोनेट करें उतना ही आप यहाँ से कैरी कीजिएगा, बाकी बाकियों के लिए छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह का इमोशनल एस्पेक्ट है कि बहुत सारा धोखाधड़ी, बहुत सारा हार्ट ब्रेक, दिल का छलनी होना बिल्कुल ही, और यहाँ पे दिल के छलनी होने से ज्यादा है थोड़ा सा है आत्मा का छलनी होना, मतलब बिल्कुल आपको सोल लेवल पे ब्रेक कर दिया गया है यहाँ पे। चलो ठीक है, ये हुआ, ये 2023 का कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, बट आप अभी भी यहाँ पे क्यों हैं? एक सवाल तो मुझे आपसे पूछना है सजिटेरियस सोल ट्राइब, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? ये पास्ट हो गया है, इसमें से आपको निकलना है एज अर्ली एज पॉसिबल,
जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी आप इसे देखेंगे, सो इसको एज अ गाइडेंस लीजिएगा कि ये भी ये रीडिंग बाय चांस आपको गाइड करने के लिए आई है कि आपको इस जगह से निकलना है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस डिप्रेशन को, इस एंजाइटी को, ये जो पैनिक अटैक्स आपको आते हैं, रात को नींदें नहीं आ रही हैं बहुत लोगों को, ऐसी हालत है जैसे कि सिर पर कोई तलवार लटकी हुई है, और ये सब ना अब आपके माइंड में है। ठीक है, ये यहाँ पे है ना ब्लैक क्रोस दिखाए हुए हैं, आपके मन के विचार हैं जो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जो था ना वो हो चुका है। अभी आप ना प्रेजेंटली मतलब फिजिकली उस चीज से नहीं गुजर रहे हैं, आप साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं उसमें उलझे हुए हैं। सो यहाँ पे तो गाइडेंस ही मैं आपको दूंगी कि आप इसमें से एज अर्ली एज पॉसिबल निकलिए। ये कोई कंफर्ट की जगह नहीं है। इसको आपने जो यहाँ पे ना ये देखिए, ये पिल्लो भी यहाँ पे है आपका, आप यहाँ पे ना सो रहे हैं बड़े आराम से, इसको कंफर्ट बना लिया, यही ठीक लग रहा है। नहीं, ये कंफर्ट की जगह नहीं है, यहाँ से आपको एज अर्ली एज पॉसिबल निकलना है। थोड़ी परिस्थिति ऐसी रही है आपके साथ ना, एट ऑफ वॉन्ड से मुझे पता चल रहा है कलेक्टिवली जनरली जो मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड रहे हैं आप, लाइक ट्रिगर कर देते हैं ना आसपास के लोग, और काफ़ी सारे लोगों के साथ उलझे रहे हैं आप। लव की रीडिंग है, हो सकता है लव रिलेशनशिप में कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपको बिल्कुल ऐसे अकेला छोड़ के चला गया, आत्मा को छलनी करके, दुख दे के, बहुत ज़्यादा छल किया आपके साथ ना, आपके मन को दुखाया, कुछ इस तरह का एस्पेक्ट है। और हो सकता है उस इंसान की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ आपकी दुश्मनी हुई हो, ऐसा भी है। बहुत बार जो इंसान हमारे लिए सही नहीं होता है ना, तो आसपास वाले हमें समझाते हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, घर वाले, लेकिन हम उनकी सुनते नहीं हैं। ठीक है, तो हम फॉर टाइम बीइंग उनसे भी कहीं ना कहीं ट्रिगर्ड हो जाते हैं, उनकी कही हुई बातें हमें अच्छी नहीं लगती है, मानना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा का सारा मन ना उसी में लगा होता है कि बस चाहिए तो यही इंसान चाहिए, और सही है तो बस यही है। सो हम अपने आँख कान खुले रखते नहीं हैं, और फालतू की दुश्मनियाँ आपने लोगों से यहाँ पे की हैं, फालतू में गार्डेड अप रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इस इंसान को अपना समझा है, बाकी सबसे दुश्मनी की है। 2023 तो सारा आपका ऐसे ही निकल गया है, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि टग ऑफ वॉर टाइप चलता रहा है, अपनों के बीच में ही आप उलझे रहे हैं और बहुत गार्डेड अप रहे हैं, बहुत अकेलापन फील किया है, अकेले हुए हैं हर एक फ्रंट पे, इस तरह का यहाँ पे एनर्जी बहुत सारा पिक हो रहा है। और अकेलापन क्यों फील हो रहा है, वो इस कार्ड से भी है, द हमीट का कार्ड है। सो यहाँ पे देखिए ना, एक इंसान है बिल्कुल अकेला रह गया है, और ये अकेलापन ना ये तब तो था ही जब वो इंसान साथ में था, कहीं ना कहीं अकेला फील किया है आपने, उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा अकेलापन फील किया है, बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है बहुत चीज़ों को। क्योंकि क्या दिक्कत होती है ना गाइस, जब एक इंसान के हम इस कदर प्यार में पड़े होते हैं, अब ये प्यार की ही रीडिंग है, लव की रीडिंग है, इमोशनल एस्पेक्ट है इसमें, उस तरह के ही कार्ड आए हैं। देखिए कुछ वॉन्ड्स वगैरह के कार्ड आए नहीं है, क्योंकि काम का कोई एस्पेक्ट हम देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, वॉन्ड का एस्पेक्ट जो आया वो यहीं पे आया है कि हाँ कुछ दुश्मनियां आपने की है इस इंसान की वजह से। जब आप सभी के साथ लड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं सिर्फ एक इंसान की वजह से, और वो इंसान अगर आपको छोड़ के चला जाए, जैसे कि वो आपको छोड़ के चला गया है, यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारों के ब्रेकअप्स हो गए हैं और नो कॉन्टैक्ट में हैं आप ढेर सारे लोग। ठीक है ना, अब कॉन्टैक्ट उन्होंने बंद किया है कि आपने बंद किया है कि हो गया है साइमल्टेनियसली, जो भी हुआ है भगवान ने बंद कराया है। यहाँ पे डिवाइन की इंटरफेरेंस मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कार्ड आए हैं, हमीद का कार्ड आया है और हाई प्रिस्टस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे डिवाइन की इंटरफेरेंस भी है। और जहाँ तक मैं पिक कर पा रही हूँ, ये ना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बीच में आपके ब्रेकअप्स वगैरह हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डिवाइन इंटरफेरेंस भी हुई है, कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं बहुत सारे लोगों के, और यहाँ पे ना रेट्रोग्रेड्स बहुत सारे प्लैनेट्स के खत्म हुए थे, और वो बिल्कुल अपनी चाल में वापस आए थे यहाँ पे। सो जब आप एक इंसान के साथ इस हद दर्जे तक इन्वॉल्व होते हैं ना, आप जैसे कहते हैं कि उसके जाने के बाद बैंकक्रप्ट हो गए हैं, ये वर्ड आ रहा है पिको के ना, बैंकक्रप्ट हो जाना, यानी कि दूसरों के साथ तो आपने अपना मेलजोल रखा ही नहीं है, परिवार वालों के साथ कहीं ना कहीं आप दुश्मनी में आ गए, रिश्तेदारों के साथ वहां तो आप बुरे बन ही चुके थे, वहां तो आपने डंडा ही उठा लिया था उनके खिलाफ कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। सो उनके साथ तो अभी है ही नहीं, और ये इंसान भी आपको छोड़ के चला गया, तो बिल्कुल छोड़ के चला गया, बिल्कुल अकेले हैं, उदास हैं, होपलेस हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेले रह गए हैं, और लाइफ को जब हमें लेसन सिखाने होते हैं ना, सो वो हमें अकेला करती है, ये भी है यहाँ पे। चाहे आपको लग रहा हो कि उसने आपको छोड़ा है और आप अकेले हो गए हैं, चाहे आपको लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है फॉर टाइमिंग, आप अकेले हो गए हैं, लेकिन दूसरा इसका बिगर पिक्चर को देखने का एस्पेक्ट ये भी होता है कि जब एक इंसान को लाइफ एक लेसन सिखाती है,
ठीक है, कुछ डिवाइन लेसन हमने सीखने होते हैं। तो लाइफ इस तरह से डिजाइन करके आपको वो चलती है कि आप फॉर टाइमिंग अकेले रहें, क्योंकि जो लाइफ के हार्ड लेसन है ना, वो आप ना पार्टियों में नहीं सीख सकते हैं कि आप पार्टियों में डांस कर रहे हैं वहां पे आपने एक लेसन सीखा नहीं, या आप खा पी रहे हैं बाजार में मस्ती कर रहे हैं वहां एक लेसन सीखेंगे। नहीं, लेसन जब भी आप सीखेंगे आप अकेलेपन में, तो भयंकर तरीके से आपको अकेला करती है लाइफ आपको एक लेसन सिखाने के लिए। और मुझे लगता है कि सजिटेरियस सोल ट्राइब ने ये लेसन ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी की शुरुआत में ले लिया है कहीं ना कहीं। हालांकि वो जनवरी तक इस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कर लाए थे गलती से, बट इट्स ओके, क्योंकि लव लाइफ में रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में उन्होंने ढेर सारा इंट्रोस्पेक्शन किया है, यानी कि उन्होंने किसी से पूछा नहीं क्योंकि कोई था ही नहीं, किससे सलाह लें क्या करें कैसे हो गया, कोई दोस्त साथ में नहीं था, कोई फैमिली मेंबर साथ में नहीं था, और उन्होंने इस बारे में भी बहुत सोचा है कि एक इंसान के छोड़ के जाने के बाद मैं इतना अकेला कैसे हो गया हूँ, और ढेर सारे लेसन लिए हैं यहाँ पे। यहाँ पे लेसन की एनर्जी बहुत है कि बहुत ज़्यादा आपने सीखा है लाइफ से कि ठीक है अब ऐसा है ऐसा है ऐसा हो गया है, दिस इज माई पोजिशन, ठीक है, सो क्या बात है। और यहाँ पे ना एक कार्ड आया है, फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है यहाँ पे। ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में था ना, अब समझ में आया ना मुझे, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में था और इसने आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो अब समझ पाएंगे कि क्यों इतना मुश्किल रहा, आपकी फैमिली लाइफ में भी एकदम से इतनी प्रॉब्लम आ गई, आपके दोस्त भी आपको सारे छोड़ गए, और छोड़ भी नहीं गए बल्कि आपके दुश्मन हो गए कहीं ना कहीं, ना आप उनके दुश्मन हो गए, आपने उनको दुश्मन समझ लिया, क्योंकि ये इंसान बहुत चालाक था, ये इंसान बहुत ज़्यादा चालाक था और मैनिपुलेटिव था, आपका ब्रेन वॉश करता था, आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया गया है यहाँ पे। और आपको ना, आपको इस तरह से चीज़ें दिखाई गई हैं कि आपको ना, आप जो आपके अपने थे, रियल में अपने थे, वो आपको अपने दुश्मन लगने लगे, कुछ इस तरह का यहाँ पे एनर्जी पिक हो रहा है। कि और कुछ लोग होते हैं मैनिपुलेटिव इस तरह के, कि वो इस तरह की चालबाजियाँ करते हैं कि आप अकेले रह जाएं, क्योंकि आपका अगर फायदा उठाना है गाइस तो आपका अकेला होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फैमिली का सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है, रिलेटिव्स का सपोर्ट है, सपोर्ट अगर है तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठाया जा सकता। आपका ढेर ज़्यादा फायदा उठाने के लिए, बहुत नुकसान आपका करने के लिए, बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश आपका करना पड़ता है। तो देखिए ना, बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिए। देखिए यहाँ पे एक काला कौवा है और कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास, और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, आपको कंफ्यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसा एक इंसान था आपकी लाइफ में, जो भी आपका पास्ट का रिलेशनशिप रहा है या आपका रिलेशनशिप जैसा पास्ट में रहा है, तो कुछ ऐसा इंसान होते हैं बहुत बार जिनको ना अपनी ईगो ही बहुत प्यारी होती है, जिनको वो क्या नुकसान करेंगे सामने वाले का इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, उनको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना होता है, उनको अपनी ईगो पूरी होए, खुद को अच्छा लगे फॉर टाइम बींग, खुद की ग्रेटिफिकेशन, खुद की सेटिस्फेक्शन, यही अच्छी होती है। ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते, किसी का भी दिल तोड़ सकते हैं, किसी को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे भाई ये इंसान ऐसा क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि इनमें ना इमोशंस नाम की चीज़ नहीं होती है। कुछ लोग चलते हैं दिमाग से, कुछ लोग चलते हैं दिल से, और यही गड़बड़ है। जो लोग दिमाग से चलते हैं, ठीक है, वो दिल से चलने वालों का बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे गाइडेंस ये भी है कि हमें नेक्स्ट रिलेशनशिप जो हमारी हो और जो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट है, उसमें दिल और दिमाग दोनों के समन्वय से चलना चाहिए, दोनों की हार्मनी से चलना चाहिए। अब आपके केस में क्या था कि आप थे कि दिमाग यूज ही नहीं करते थे, सिर्फ दिल से चलते थे, और ये इंसान था कि सिर्फ दिमाग से चलता था, ठीक है। और यही आप लोगों के लेसन है। ये रिलेशनशिप ना एक कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा लग रहा है, कार्मिक से भी ज़्यादा है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। जिन लोगों के लिए तो ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, उनका तो रिलेशनशिप ओवर हो गया है, अब इसमें ना तो कोई इम्प्रूवमेंट है और ना ही कॉन्टैक्ट का कोई जरिया है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा अब, ठीक है। और अच्छी बात है ये ना हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही ये है। ट्विन फ्लेम इंसान वो इंसान होता है जो आपके ना, जिसे कहते हैं घाव में उंगली करने के लिए आता है कि हाँ, और क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में उस इंसान को पता है कि आपके घाव कहाँ कहाँ पे हैं, आपने ही उसको बताए हैं, आपने ही उसको दिखाए हैं ये मेरे घाव हैं। और जीवन में आप जिसको भी अपने घाव दिखाएंगे ना, वो उन घावों में उंगली करेगा, ये बात भी पक्की है, ठीक है। सो ये ट्विन फ्लेम में कहीं ना कहीं आपके साथ थे और ये अब नहीं आएंगे, क्योंकि क्यों नहीं आएंगे उसका रीज़न बताऊंगी मैं अभी, और भी कार्ड्स हैं, क्योंकि आपने इंट्रोस्पेक्शन करके ना उन घावों के बारे में ना उनको हील करने की कोशिश की है। सो जब वो घाव है ही नहीं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मतलब है कि डीप जो वूंड्स हैं आपके, उनको ट्रिगर करते हैं ये लोग, ठीक है,
और तो डीप वुंड्स पे आपने ऑलरेडी काम कर लिया है, वहां पे डीप वुंड्स नहीं है तो वो इंसान आपकी लाइफ में क्यों आएगा? क्योंकि उसका काम है कि उन डीप वुंड्स को ट्रिगर करके एक तरह से आपकी हीलिंग करना। क्योंकि डीप वुंड्स जो है ना, हमारे बहुत गहरे जो घाव हैं, हमारे दिल के जो जख्म हैं, वो हमें नहीं पता होते, बहुत बार नहीं पता होते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा या तो पास्ट लाइफ्स के होते हैं या बहुत ज्यादा छोटे बचपन के, जब आप 2, 2.5, 3, 4 साल के हैं तो वो मेमोरीज नहीं होती हैं आपके पास। सो ये इंसान भगवान ही आपकी लाइफ में भेजते हैं, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे जिसे कहते हैं कि उसकी रजा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, वो इसीलिए भेजते हैं कि जो वूंड्स हैं इनका आपको पता चले कि हाँ ये यहाँ पे है। और जब आपको पता चलता है कि यहाँ पे एक वूंड है, घाव है, तो आप उसकी मरहम पट्टी करके उसको ठीक करते हैं, और आपने किया है यहाँ पे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज कि आपने किया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक कार्ड है फोर ऑफ कप्स, ठीक है। हो सकता है कि जनवरी के लास्ट में और फरवरी में थोड़ा सा आपकी एनर्जी का ऐसा एस्पेक्ट रहे कि फॉर टाइम बीइंग आप ना ऐसे हो जाएं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए है। और हो जाता है ऐसा, जब आपको जो कुछ चाहिए था वो आपसे छीन लिया जाए, अचानक से वो चला जाए आपको छोड़ के, तो आपको ऐसा हो सकता है कि फॉर टाइम बीइंग आप एक ऐसे सिचुएशन में रहे कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं है, मुझे अब प्यार करना ही नहीं है, ठीक है, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे सिंगल रहना है फॉर टाइम बीइंग। और ये होता है जब आपका एक बहुत पुराना सा, बहुत आपके हिसाब से अच्छा सा, डीप सा रिलेशनशिप टूटता है, तो फॉर टाइम बीइंग आप बिल्कुल बैंकक्रप्ट फील करते हैं। बैंकक्रप्ट यानी कि आपने अपनी टाइम, एनर्जी, ठीक है, सारा इंटेंशन एक इंसान पे लगाया था, सारा फोकस, उसकी वजह से आपने बहुत ज्यादा लॉस किया है यहाँ पे ना। ये जो लॉस है, बेसिकली यहाँ पे जो आपका लॉस हुआ है वो होता है एक सोशल पोजीशन होती है हमारी सोसाइटी में, घर में, एक हमारा रुतबा होता है, एक हमारी ना एक स्टेटस होता है, एक स्टेटस, एक फाइनेंशियल स्टेटस होता है, एक सोशल स्टेटस। सो यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं डिफेमेशन हुई है आपकी ना, मतलब आपका इंप्रेशन खराब हुआ है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, इस इंसान की वजह से ना आपका इंप्रेशन खराब हुआ है। सो गाइज डोंट वरी, इंप्रेशंस खराब भी हो जाते हैं और इंप्रेशंस ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इररिपेरेबल डैमेज हो गया, ऐसा कोई डैमेज नहीं है। फॉर टाइम बीइंग आपको लग सकता है कि मुझको अब इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, और मैंने तो अपना काम करना है, ठीक है, या मैंने अपना ध्यान देना है, करियर पे फोकस करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है अभी, ठीक है, अभी इन चीजों से मुझे दूर रहना है। सो इसमें यहां पे एक छोटी सी गाइडेंस ये है कि ठीक है, ये इंसान बहुत ज्यादा स्लाई था, बहुत ज्यादा डिसेप्टिव था, बहुत ज्यादा इसने इल्यूजन किया, आपको भ्रम पैदा किया आपकी लाइफ में, बट यहाँ पे डिवाइन एक ऐसा इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यही होती है कि एक डिवाइन का हैंड होता है जो आपको अपने हाथ से एक कप दे रहा होता है। सो डिवाइन यहाँ पे आपकी लाइफ में ना कोई एक ऐसा इंसान भेज रहे हैं, और आप यहाँ पे इस पोजीशन में है कि चाहिए था तो यही चाहिए था, और अगर ये नहीं तो कोई नहीं। सो यहाँ पे आपको ना, और मुझे जनरली कलेक्टिवली ये पिक हो रहा है एनर्जी जनवरी लास्ट और फेब, पूरा 1.5 महीने की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि इस तरह का कुछ रहेगा कि भगवान आपकी लाइफ में किसी को भेजेंगे, और आप फॉर टाइम बीइंग ऐसे रहेंगे कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि आप अभी ना इसी चीजों में उलझे हुए हैं कहीं ना कहीं, और रेजिड्यू है, इसको ना बहुत जल्दी क्लियर करना है। और अभी हम और डेक्स भी लेंगे, यहाँ से भी हमें बहुत अच्छी गाइडेंसेस मिलती हैं कि हमें क्या करना है फर्दर। सो मेरी गाइडेंस यहाँ पे यही है, और इस कार्ड की गाइडेंस यहाँ पे यही है कि ठीक है, माना चीजें बहुत खराब हैं, माना कि चीजें बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, बहुत ज्यादा टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन है, माना कि आपकी हालत भी बहुत खराब है, लेकिन यहां से आपको ही बाहर निकलना है। तो भगवान आपकी लाइफ में ना कोई भेज सकते हैं, अब ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है फॉर टाइम बीइंग कोई फ्रेंड हो, ठीक है, हो सकता है कोई बुक हो, किसी बुक के थ्रू भी तो आप निकलते हैं ना बहुत बार इस तरह की सिचुएशन में से, हो सकता है कोई मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुनने लगे, ये बहुत तरह के एस्पेक्ट हैं। हो सकता है कोई अपोजिट जेंडर हो सकता है सेम जेंडर हो, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई काउंसलर हो, थेरेपिस्ट हो, इस तरह के लोग हो। सो ढेर सारी यहाँ पर ना डिवाइन आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ ये इंसान ही नहीं था, और इस इंसान के जाने से लाइफ खत्म नहीं हो रही है, लेसन सीखो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है, सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, हो सकता है यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट आपको वापस मिले, फैमिली में से कोई इंसान आपको अचानक से सपोर्ट करने लगे आपकी हालत देख के कि हालत ठीक नहीं है। सो उस सपोर्ट को लीजिएगा यहाँ पे। और कप्स की एनर्जी है तो यहाँ पे ये प्यार का एस्पेक्ट तो है ही है, अब ये प्यार हर किसी को अलग अलग तरीके से मिल सकता है, जरूरी नहीं है एकदम से ही लव रिलेशनशिप में ही मिले, किसी भी रिलेशनशिप में मिल सकता है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट यहाँ पे है, और फरवरी मुझे ज्यादा फील हो रहा है।
अब इसके बाद हम जाएंगे हाई प्रिस्टिस। अब मैंने बोला था आप लोगों की रीडिंग का टोन डिफरेंट है, ठीक है। हालांकि लव की रीडिंग है, इमोशंस की रीडिंग है, लेकिन देखिए 12 जोडियक है, हर किसी को सोलमेट, हर किसी को लवर वैसा नहीं ना हो सकता। हाँ, करोड़ों लोग हैं, एक 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 सोल ट्राइब में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, तो हर किसी के लिए तो सेम नहीं हो सकता। सो आपकी रीडिंग का टोन डिफरेंट था और बहुत ही अच्छा था, मैं कहूंगी बहुत पॉजिटिव था। थोड़ा सा इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है सजिटेरियस पीपल, और वो अच्छा रहता है। हमें लगता है कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आ गया है तो इमोशनल एस्पेक्ट अब नहीं रहेगा, या हम बड़े बोरिंग से हो जाएंगे, या अब प्यार मोहब्बत वाली चीजें नहीं रहेंगी। नहीं, एक स्पिरिचुअल इंसान, एक स्पिरिचुअली अवेकंड इंसान, थोड़ा सा जागा हुआ इंसान, थोड़ा ठहरा हुआ, ठहराव के साथ चलने वाला इंसान भी प्यार करता है। ऐसा है नहीं है कि अगर स्पिरिचुअल कुछ एनर्जीज आ रही हैं 2024 में आपकी लाइफ में, सो आप इन चीजों में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपके एस्पेक्ट्स में हीलिंग ज्यादा होगी, ठीक है, शांति ज्यादा होगी, पीस वाला होगा, केओटिक नहीं होगा, चीजें धीरे धीरे ग्रो करेंगी, थोड़ा इस तरह का एस्पेक्ट रहेगा। और हाई प्रिस्टल्स का कार्ड है जो कि रेयर आता है, आई मीन रेयर ही आता है। सो सेजिटेरियस सोल ट्राइब ने बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा लेसन लर्न किए हैं, सीखा है, क्योंकि इनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा ट्रिकी थी, ये हद से ज्यादा अकेले रहे हैं, इनको फोर टाइम बिंग सपोर्ट नहीं मिला है कहीं से भी। सो इन्होंने वो सपोर्ट अपने अंदर ही ढूंढा है। और जब हम बहुत ज्यादा ट्रोमा में होते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत एम्पैथेटिक भी होते हैं, दो चीजें हैं, अगर हम बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हैं, एम्पैथेटिक का मतलब होता है कि दूसरों की इमोशंस को भी ऐसे फील करना जैसे वो हमारी हो, ठीक है, उस तरह से, और ऊपर से आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचे किसी चीज से, तो हमारे अंदर ना इंट्यूशन, इनर विजडम, ये चीजें डेवलप हो जाती हैं बाय डिफॉल्ट होती हैं। मैं नहीं कहती हूं कि आपने बड़े मेडिटेशन किए हैं, लेकिन हाँ, आपने इंट्रोस्पेक्शन जरूर किया है, खुद से बात की है, क्योंकि कोई और था ही नहीं बात करने के लिए, वहां पे चीजों को जाना है, समझा है, लाइफ में खुद को जाना है, समझा है, लाइफ को जाना है, समझा है, कहीं ना कहीं तभी ये इतनी प्यारी सी एनर्जी आप लोगों की लाइफ में आई है हाई प्रिस्टिस की। यानी कि आप चीजों को, लोगों को ना कहीं उनकी वाइब से पकड़ना शुरू कर देंगे। अब आपको ना उनके शब्दों की और उनके एक्शंस की वेट करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने कोई भी इंसान आएगा और आप उसे टोटली स्कैन कर लेंगे। ये इस तरह का आपने यहाँ पे डेवलप किया है। और दो किंग्स की एनर्जी है, किंग्स ऑफ सोर्ड्स है गुड, एंड किंग्स ऑफ कप है। इसको सबसे लास्ट में लूंगी क्योंकि ये बोनस है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे किंग्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या होती है कि कहीं ना कहीं आप सीखेंगे बोलना, काम करना, प्लान बनाना, एग्जीक्यूट करना। ऐसा नहीं है कि प्लान बनाए हवाई किले और छोड़ दिए, नहीं, प्लान बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, बोलेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, ये वर्ड आ रहा है, अपने लिए स्टैंड लेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे, आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते थे कि वो आपके लिए स्टैंड लें। यहाँ पे 2024 में आप इमोशनल एस्पेक्ट में सीखेंगे कि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, बाउंड्रीज बनाना सीखेंगे, उन बाउंड्रीज को इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे, इस तरह का यहाँ पे है। और एक बिल्कुल किंग की एनर्जी में रहेंगे, वो जो इमोशंस आपको ना ऐसा फील कराती थी, इमोशंस आपको ऐसा फील कराती थी, सोशल लाइफ में ऐसा फील कराया इमोशंस ने आपको, अब आप इमोशनल इंटेलिजेंस सीखेंगे और इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आप इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। देखिए ना, अभी यहाँ पे ये हालत थी, ठीक है, इस तरह की हालत आपकी की कहीं ना कहीं किसी ने, लेकिन यहाँ पे देखिए हैं वो सब चीजें। ब्लैक क्रो तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये इंसान का एनर्जी देखिए, ठीक है ना, और आउल भी है साथ में। अब इसका क्या मतलब होता है, आउल क्या होते हैं, ये सब इंट्यूशन वाली चीजें हैं कि आप इंट्यूशन से जानेंगे चीजों को, अपनी बाउंड्रीज बनाएंगे, ठीक है, और बोलेंगे और लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे, सेजिटेरियस सोल ट्राइब लड़ना भी सीखेगा सही तरीके से। सो यहाँ पे है बोनस आप लोगों के लिए। सो गाइज, अगर तो आप लेडीज हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो सोल ट्राइब ज्यादा फील हो रहा है वो 20 से लेकर 30 के बीच में ज्यादा पिक हो रहा है। ऐसे तो कोई भी एज ग्रुप का ये हो सकता है, बट ज्यादा जो पिक हो रहा है एनर्जी वो इसका है। सो अगर तो आप लेडीज हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो आपके लिए एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो बिल्कुल किंग जैसा भी होगा, दिल का राजा जिसको बोलते हैं ना, दिल से बिल्कुल राजा होना, जिसका दिल बहुत बड़ा होगा, उदार जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं, और जिसके इमोशंस ना वो ट्विन फ्लेम वाले नहीं होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं सोलमेट जैसे होंगे। कहीं ना कहीं इस इंसान ने भी खुद पे बहुत काम किया होगा, सेटल्ड है ना, बिल्कुल वेल सेटल्ड है, वेल सेटल्ड वर्ड भी आया है, यानी कि अपनी लाइफ में करियर वाइज भी वेल सेटल्ड होगा, अपने इमोशंस को भी इसने बहुत ज्यादा हील किया है और आपने भी किया है।
और टोन लेवल पे ना, एनर्जी लेवल पे आप अपने ही जैसे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। जब आपकी ही एनर्जी इतनी अच्छी हो गई है हाई प्रिस्टेस जैसी, सो आप वैसा ही तो इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे ना, ठीक है। अगर आप जेंट्स हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, सो ये आपकी ही एनर्जी है गाइस। इस तरह की एनर्जी में आप कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह की लेडी को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों चीजों के जवाब मैंने यहीं पे दे दिए हैं। तो 2024 आप लोगों के लिए डिफरेंट तो है एनर्जी वाइज भी, और लव के जो इंटेंशंस हैं उसके लिए भी और इमोशंस के रिगार्डिंग भी, बट बहुत डिफरेंट है और प्यारा है, ठीक है। सो अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों की, आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। कहाँ कहाँ आपने कितना रेजोनेट किया है वो बताइएगा। पोस्टपोनमेंट, हाँ मैंने बोला है ये पोस्टपोनमेंट थोड़ी सी आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक होने में। भगवान ठीक करके दे रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी मुझे सिंगल रहना है, अभी मुझे अकेले रहना है, अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी है। सो ये पोस्टपोनमेंट तो आपके ही हाथ में है, जब आप चाहेंगे चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। नथिंगनेस अगर आप सोच रहे हैं ना बहुत ज़्यादा इसके बारे में, क्योंकि ये एनर्जी आई है 2024 तक भी आप इसको ले आए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस, देखिए ब्लैंकनेस है और कालापन है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है इस सिचुएशन में, आपकी मर्जी है, आपको जितने दिन रहना हो आप रह लीजिए और जितना मर्जी अपनी लाइफ में जो अच्छा होने वाला है उसको पोस्टपोन कर लीजिए, क्योंकि फ्री विल तो सभी को दी हुई है। रिसेप्टिविटी आपको बोला है ये कार्ड के थ्रू, मैंने बताया था डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन आप अपने हाथ बांध के बैठे हुए हैं, नाराज, गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड। सो आपको रिसेप्टिव होना है, चीज़ें अवेलेबल हैं, चीज़ें आपके पास हैं, लोग आपके पास हैं, लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और ये एक कार्ड आया मोरेलिटी का। अब मोरेलिटी कार्ड क्या होता है, मोस्टली हमने लाइफ में ना बहुत सारे शुड वुड इस तरह की चीज़ें बनाई होती हैं कि ऐसा होना चाहिए था, काश ऐसा होता। सो इस तरह से लाइफ नहीं चलती है गाइज, जैसे होना था वैसे ही हुआ है और जैसे होता है वैसे ही होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को ना लूजन अप कीजिए, खोलिए अपने दिमाग के जो दरवाजे हैं ना, बहुत ज़्यादा आपने बंद किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज में आप उलझे हुए हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया। सो ये चीज़ें ना बेकार की चीज़ें हैं, इसमें से कुछ मिलने वाला है नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जो जिन चीज़ों के आप आंसर ढूंढ रहे हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, नथिंग है वहाँ पे, नथिंगनेस है वहाँ पे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, हाँ, और आप लेंगे एक्शन, एक्शन का आ गया है, एक्शन लेंगे आप, जहाँ जहाँ एक्शन लेने की जरूरत होगी लाइफ में 2024 में आप एक्शन लेंगे बड़े अच्छे से। द आंसर यू नीड आर कमिंग, और ढेर सारे आंसर्स हैं ना जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। बी रिसेप्टिव, यहाँ पे बोला जा रहा थोड़ा रिसेप्टिव रहिए, लूजन अप करिए अपने आप को ना, खोलिए थोड़ा सा ना, लेट गो कीजिए चीज़ों को, सरेंडर टू डिवाइन। दोबारा आ गया है, मैं यही तो बोल रही हूँ कि डिवाइन है आपके आसपास, डिवाइन ने आपको ना इस इंसान से मुक्ति दिलाई है, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग आपको चाहे जितना मर्जी बुरा लगे लेकिन ये इंसान ठीक नहीं था आपकी सेहत के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी सोशल इमेज के लिए। सो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए भगवान ने उसमें इंटरवीन करके आपको उससे मुक्ति दिलाई है, तो उसको, उस भगवान को सरेंडर कीजिए। ये जो कार्ड है ना कि आप बैठे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं। बी रिसेप्टिव, रिसेप्टिव मोड में आके ना उनको सरेंडर करें, वहां से सब मिलेगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली के साथ फॉर टाइम बीइंग आपकी थोड़ी ठनी हुई है, ज़्यादा अच्छे टर्म्स नहीं है, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ उस रीडिंग के थ्रू कि वो खराब हो गए होंगे इस इंसान की वजह से, तो वो ठीक है, वो ठीक है, सेफ है और सब अच्छे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 2024 ना जजमेंट ईयर है, सब कुछ ठीक करने के लिए ही आया है 2024। और देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स की भी बहुत बार बहुत अच्छी सटीक सी गाइडेंस होती है। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो मैंने बोला है ना कि आप बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे कहीं नहीं जाना, और मैं बिल्कुल उदास और दुखी और बिल्कुल देवदास बने हुए हैं और बिल्कुल कोना पकड़ के बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में। सो आपको थोड़ा सा मिंगल अप होना पड़ेगा, थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा उस कोने से, लोग हैं वहां पे आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फॉरगिवनेस, आपको थोड़ा सा ना माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग का टोन लेवल थोड़ा हाई था,
ठीक है, उस इंसान को आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, और जो मैं ज्यादा पिक कर पा रही हूँ कि आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं इतना बेवकूफ कैसे होके रह गया, मतलब मेरा इतना फायदा कैसे उठाया गया, मैं कैसे ये सब होने दिया मैंने अपने साथ, तो इस तरह का है यहाँ पे। सो गाइस, सबसे पहले आप खुद को माफ कीजिए, क्योंकि इंसान है भाई, हम भगवान नहीं है, ना ही हम त्रिकालदर्शी हैं, ना ही चीजें हमें पहले से पता होती है। ठीक है, सो ठीक है, आप खुद को माफ करिए, और जब आप खुद को माफ कर देंगे तो धीरे धीरे विद टाइम आप उस इंसान को भी माफ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा ना इंट्यूशन, इनर विजडम, चीजों को अंदर से जो कड़ियां, मिसिंग लिंक्स है ना, उनको जोड़ पाएंगे। आई नो दैट वो हो जाएगा, पर पहले आप अपने आप को माफ कीजिए, सिचुएशन विल इंप्रूव। हाँ, मैंने बोला आपको, पहले आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। और कोई परफेक्ट टाइमिंग है, कोई चीज आप करना चाह रहे हैं ना लाइफ में, कुछ भी, अगर आप लव रिलेशनशिप में भी कुछ करना चाह रहे हैं, सो परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि हर किसी का तो यहाँ पे सेम चीज नहीं है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं, या एक रिलेशनशिप थी, अब उसको बिल्कुल एक रिलेशनशिप को एक नाम दे के पक्का करना चाहते हैं, रोका करना चाहते हैं, एंगेजमेंट, शादी, उस तरह का है, तो उसके लिए यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग है गाइज। ठीक है, और एक दो चीजें और यहां से हम देखेंगे, देखते हैं डिवाइन हमें क्या देना चाहते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन है आपके लिए ना, कोई क्वेश्चन है, इसको हम देख लेंगे किस चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कोई सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। गुड लक आपको डिवाइन दे रहे हैं, ढेर सारा गुड लक है आपको, 2024 अच्छा रहने वाला है, और वेकेशन पे जाने के आप लोगों के ना बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं। आप घूमने फिरने जा सकते हैं परिवार के साथ। और गाइज, आप लोग ना प्रेयर कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपकी रीडिंग का टोन थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल हो गया है। आई डोंट नो व्हाई, लव की रीडिंग थी, रिलेशनशिप की रीडिंग थी, बट आप लोगों का जनरली कलेक्टिवली कुछ इस तरह का था कि इसमें ना थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अपने आप ही आ गया है। थोड़ा प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और ये क्वेश्चन किस चीज के रिगार्डिंग है हम देख लेते हैं अभी। ओके, एक सेकेंड गाइस, कार्ड्स भी दे रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा अपने पैसे का ध्यान रखिएगा आप लोग ना, थोड़ा पैसे के रिगार्डिंग ना कॉशियस होने की जरूरत है। कोई भी फाइनेंशियल डील, हालांकि हम लव की रीडिंग कर रहे हैं, इमोशनल रीडिंग कर रहे हैं, बट किसी भी इमोशंस में पड़ के ना कोई पैसे की डील इस तरह की मत कर लीजिएगा कि वहां पे ना दिक्कत हो जाए। आपको अपनी फैमिली से मिलके, अपने बड़ों का संग साथ करके, बड़ों से हेल्प लेके, किसी की हेल्प लेके, किसी से सलाह करके ही फाइनेंशियल डीलिंग जो भी है वो करनी है। सो इस तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन है 2024 में ना, ये रखिएगा कि पैसा अपना कहीं भी ऐसे ही नहीं फंसा देना है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग कैसी लगी आपको? रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप जब कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, कनेक्शन फील होता है, मुझे अच्छा लगता है, और मैं हर किसी के कमेंट का जवाब देती हूँ। सो प्लीज कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा और कितना आपने रेजोनेट किया। और सब्सक्राइब जरूर से करें मेरे चैनल को, अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आ रही है और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और मुझे सुनना चाहते हैं। सो प्लीज से कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर कोई आप हैं जो बहुत ज़्यादा स्टक हैं और थोड़ी सलाह चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं कहीं ना कहीं, सो मेरे काउंसलिंग के सेशंस रहते हैं, और टैरो की रीडिंग्स रहती हैं, और न्यूमरोलॉजी के सेशंस भी रहते हैं, जिसमें नेम चेंज वगैरह की काफ़ी सारी मोडेलिटीज़ मैं प्रोवाइड करती हूँ, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराती हूँ। तो इस तरह की ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं काम करती हूँ। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स मुझे चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करके ना फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो अपना बहुत ध्यान रखिएगा सजिटेरियस सोल ट्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल।